ठीक है। आज हमारा टॉपिक है 10th का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज दिए हुए हैं, तो हम पहले इसमें ना इनका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसको करने के आपके दो मेथड है। एक है कि हम ये सीधा इक्वेशन यूज करके करते हैं, जहाँ एस सम है, पी प्रोडक्ट है। तो जब आप लिखोगे तो यहाँ पे सम आपका माइनस वन है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया और प्रोडक्ट आपका माइनस सिक्स है। लेकिन जब भी हम ऐसे देते हैं ना, तो हम आगे के करके लिख के देते हैं, के करके, ये आंसर है हमारा। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन भी ले जाओगे तो भी ये जीरोज आएंगे। तो एक जो आपको जो जीरोज दियो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बना सकते हो। इस के की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, माइनस 2 ले लो, 7 ले लो, 1/3 ले लो, तो उससे ये आपकी बहुत सारी इक्वेशंस, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएंगे। अब देखो दूसरा मेथड क्या है। हम जानते हैं सम जो है वो माइनस बी बाई ए है, वो माइनस वन है, और प्रोडक्ट जो है वो सी बाई ए है। अब ए ए हम इसके नीचे अपॉन वन लिख सकते हैं। तो अब हमारे ए की वैल्यू 1 आ गई, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, बी वन आ गया और सी माइनस सिक्स आ गया, और हमारा ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हमारा वन है, बी हमारा वन है, सी हमारा माइनस सिक्स है। ये आ गया, फिर के आप आगे और दोगे। तो कोई टीचर्स ऐसे कराती हैं, कुछ ऐसे कराती हैं, लेकिन बोर्ड वाले ये मेथड प्रेफर करते हैं, बोर्ड वाले। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है सम एंड प्रोडक्ट। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें जीरोस दी हुई थी, लेकिन दूसरे वाले में हमें सम और प्रोडक्ट दिया है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी माइनस बी बाय ए और सी बाय ए मेथड लेके, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी दोनों को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 से रूट 3 नहीं, 3/3 से, तो ये आ गया मेरा 3√2/3। अब हम कंपेयर करें तो a 3 है, b ये माइनस भी है, यहाँ प्लस है, -3√2 और c हमारा 1। अब हमारी इक्वेशन बनेगी a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हो गया ये क्लियर? इसमें मैंने वो नहीं लिया, अगर वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लोगे तो आपको इसमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा और 1/3 बाहर ले जाना पड़ेगा। तो गो फॉर दिस मेथड। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोज हैं, और अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हैं। अब जिसके जीरोज ये जीरोज है, अब हमें कोई नंबर तो दे नहीं रखे कि भाई जो हम प्लस माइनस करें, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अलग लॉजिक यूज करना पड़ेगा। हम पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस। माइनस बी बाय ए है, यहाँ से ये माइनस वन आ गया, ये वन, ये माइनस वन आ गया, और अल्फा अपॉन बीटा होता है सी बाय ए, वो आपका आ गया वन। ये वैल्यूज आ गई। अब हमें इक्वेशन बनानी है जिसके ये दो जीरोज हैं, तो दो जीरोज में याद है ना हम पहले सम निकालेंगे, तो अब हम इसमें सम कैसे निकालेंगे। 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। अब ये इससे कट गया, ऊपर आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा और ये आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा। जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया हमारे पास 3 अल्फा 3 बीटा, और नीचे का अभी मैंने सॉल्व नहीं किया डिनोमिनेटर, उसको अभी करते हैं। देखो प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यही हमने यहाँ डिनोमिनेटर में भी लिखा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर। कैलकुलेशन भाई चेक कर लेना, कोई मिस्टेक ना हो। 2 मैं कॉमन ले गई, यहाँ आ गया अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन चला गया, ये दोनों लाइक टर्म है, ये 5 अल्फा बीटा आ गया। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इस स्क्वायर को हम उस टर्म में ले जाएंगे जो हमें नोन है। ये आ गया माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ आ गया एल टू अल्फा बीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपका है वन, तो ये आ गया वन और यहाँ से टू, ये इधर माइनस टू गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया आपका माइनस वन, ये आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा बीटा क्या है वन, तो माइनस टू प्लस फाइव आंसर आ गया थ्री। देखो प्रोडक्ट हमारा थ्री निकल आया और वही प्रोडक्ट थ्री हम यहाँ पुट कर देंगे जो हमने यहाँ सॉल्व किया, वही यहाँ पे पुट हो गया और यहाँ से मैं थ्री कॉमन लेके जाऊँगी। ये तो मैंने पूरा ये यहाँ सॉल्व कर लिया। अब ये अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस वन, थ्री से थ्री कट गया, यहाँ आ गई वैल्यू इसकी माइनस वन। ओके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ये कट होके माइनस वन आ गया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, हमारा सम कितना आ गया माइनस वन, प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट आया थ्री। अब यहाँ लिख रही हूँ मैं माइनस बी बाय ए सम माइनस वन और प्रोडक्ट सी बाय ए थ्री, तो इसे हम अपॉन वन ले लेंगे। ए वन आ गया, बी बी भी वन है और सी थ्री है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सारा क्वेश्चन आपका ऐसे होगा।